मैं चाहूँगी आज आप पूरी वीडियो देखें, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, और बस आप सबके लिए अच्छी ही वीडियो बनाई है तो आप सब इसलिए पूरा देखें, स्किप कर करके देख ले जहाँ से भी आपको अच्छा लगे, लेकिन 3 मिनट तो कम से कम देखें। तो शुरू करते हैं ब्लॉग। राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? तो आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे और आपके अपने ही चैनल रेखा गुज्जर फैमिली ब्लॉग चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो किस किस के यहाँ पे बारिश हुई है? आज हमारे यहाँ पे बूंदे आई हैं बस। और आज मैं अपने मायके का, देखो वैसे तो घर सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, मायके वाला, उनसे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन मैं कल बहुत भावुक हो गई थी इसलिए मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। और सही बताऊँ एडिटिंग मैं अभी भी नहीं कर पाई हूँ, एडिटिंग इस वीडियो की बाद में ही करूँगी। और दिन में मैंने कई बार कोशिश की है लेकिन मैं अभी तक भी कोई एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ, और इमोशनल नहीं होना चाहती, हंसी खुशी के साथ आप सबके लिए वीडियो बनाना चाहती हूँ खुशी खुशी। और हिमांशी भी रेडी हो रही है, अब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, सुबह से तो कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी। और ये गली हमारे रखी हुई है, पीते नहीं है हम तो, नहीं तो ये यहाँ नहीं रखी होती। एक भाई आए थे हमारे, नाम नहीं बताऊँगी, तो उनके लिए निकाली थी, नहीं तो हम इसके अंदर है ना, ये देखो इसके अंदर कागज़ भर के रख देते हैं, जब किसी को चाहिए होती है तो निकाल लेते हैं। और अभी मैं आके, क्योंकि फिर मुझे फीवर हो गया, तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बहुत सारे काम रुक जाते हैं, हम औरतों के बिगड़ है ना, ये हम ही समझ पाते हैं, चाहे वो कितना भी काम करने वाला हो। थोड़े थोड़े दूध फ्रिज में अगर कहीं से आएंगे, यही है अभी थोड़ा थोड़ा दूध फ्रिज में, कोई मतलब 10 दिन में आएंगे तो 10 ही बर्तनों में दूध मिलेगा फ्रिज में। और सुना रही हूँ बहुत सारे काम अभी, मतलब अभी भी मैं सुना रही थी और काम कर रही थी, कुछ पहले से मतलब थोड़ा ठीक लग रहा है। और आज फिर मैंने सर्वर भी धोया था, ऐसे भी अच्छा नहीं लगता, यूँ ही पड़े रहो, ठीक लग रहा है, मतलब पहले से ठीक है, काफ़ी ठीक है। तो मिलते हैं, कहाँ जाते हैं हम आप सबको दिखाते हैं, और बिल्कुल वीडियो में बने रहना आज प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरे मायके वाला घर भी देखना जहाँ से मेरी डोली उठी थी, सभी से मैं ऐड करूँगी, देखते हैं कहाँ पे ऐड करूँगी। अभी तो यहाँ पर ट्रैफिक की आवाज़ बहुत आएगी दोस्तों, क्योंकि बाहर वाले कमरे में हूँ मैं, और पसीने में आपको बता नहीं सकती, पसीने इतने आ रहे हैं। और हम आ गए हैं जहाँ भी हम गए थे, ये वीकनेस की वजह से आ रहे, जबकि मौसम नहीं है बिल्कुल भी ऐसा। और मैं ऐसे कर रही थी, ऐसे चल के जा रही थी, मैं और हिमांशी गए थे, और ऐसा नहीं है, मैं पहले वहाँ सोच रही थी, मैंने कहा मैं क्या बोलूँ कि मैंने वैसे ही चिढ़ा रही थी, वो ही वहीं पे थे, ऐसा नहीं है ये, क्योंकि ये भी बीमार है, और जब बीमार नहीं होता फिर भी जेंट्सों से नहीं होता, किसी से भी नहीं होता। देखो इनका काम हमसे नहीं होता, हमारा इनसे नहीं होता, जेंट्सों का काम औरत बहुत अच्छे से कर लेती हैं, सही बताऊँ तो कोई दिक्कत नहीं होती वो काम, जैसे कोई भी, मेरी मम्मी शायद हम नहीं कर पाएंगे, मेरी मम्मी खेत में इंजन में हत्ती लगाना ऐसा कोई काम नहीं है, पानी बुलाना खेत में ऐसा कोई काम नहीं है जो वो ना करती हैं, और हमें वो हैबिट भी नहीं है। और फिर मैं सही बताऊँ तो मेरी ज़्यादातर तबीयत ख़राब ही रहती है, इससे भी है, जहाँ तक है मैं पूरी कोशिश करती हूँ पानी की बोतल रखी हुई, ऐसे ऐसे उसमें भी पानी भर के रख लेते हैं हम, वैसी बोतल भी है कांच वाली और इसमें भी, क्योंकि। तो फिर अभी मिलते हैं आप सभी से, खाना वाना खा के, खाना बना के, और एक बोतल ये ले रही ठंडे पानी की, मैं नहीं पीती, पूछ लो हिमांशी, मैं ठंडा पानी नहीं पीती ना, बताओ। कभी कभी जब मैं कहीं से बहुत दूर से चल जाऊँगी तो मिक्स मिल, और नहीं तो मैं गर्म ही पानी पीती हूँ, पूछ लो, गर्म डेली तो मैं वो ही पीती हूँ ना जो भगोने में भरा हुआ होता है बस। तो और सॉरी मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, वहाँ पे भी मैं गई थी मौसम के घर भी, और सूट भी मेरा इंटरनल जो टेलर है वो वहीं था, सूट दिखाऊंगी, सूट लेके आई मानसी, सॉरी अभी दिखाऊंगी। और दीदी ने एक बार जब आई थी, दीदी पूछ रही थी कि तुम तो आके बैठती होगी, मैं कभी भी सीधी किचन में जाती थी, सिर्फ आज बैठी हूँ, और मुझे बैठते याद दीदी की बात याद आ गई, आज भी इसलिए बैठ गई कि ये सूट है मेरा कॉटन का, ये भाभी ने दिया था, जिन भाभी ने दिया था वो समझ जाएंगी किसने दिया था, सूट पहचान लेंगी, पहचान लो अपना सूट। और थोड़ी देर में
ऐसे तो मैं बातें करती रहूँगी और आप सब बोर हो जाते हो और मैं बातें करती रहती हूँ। खाना वाना हो गया दोस्तों, और अभी आप सबके साथ शेयर करेंगे मायके ब्लॉग और मतलब मायके का घर, और आप सभी को उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा। और सॉरी मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ, उन लोगों के लिए वीडियो है कि जो मेरी भाभियाँ हैं वो बोलती हैं कि चाहे मतलब बोल के ही आपकी तबीयत भी ख़राब है। आज मैं वैसे काफ़ी ठीक है, देखो टाइम लगता है, और ऐसे फिर मैं अगर मैं तबीयत ठीक होने का वेट करूँगी तो शायद मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। मैं जूझती हूँ ऐसा, मतलब जूझती रहती हूँ बीमारी से, हमेशा ही जूझती रही हूँ बहुत सालों से। तो ऐसा नहीं है कि मैं घर का भी, अब देखो घर का भी पूरा ही काम कर रही थी, ऐसा नहीं है। और बस कुछ छूट जाता है जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड हो जाता है। और अभी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी मायके का घर, ज़्यादा बात ना करते हुए। और तो अभी तो बस मैं दिसु हर का दिखा रही हूँ, दिसु हर जो क्लीनिंग कर रहे हैं घर में। ये हमारा पुराना घर है जहाँ से मेरी विदाई हुई थी, मैंने आप सबको दिखाया है, अभी पूरा घर नहीं दिखाया है, अभी सिर्फ दिसु हर जो क्लीनिंग कर रहे हैं। मैंने वो वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, थोड़ी सी वीडियो, वैसे तो मैंने बहुत सारी कट की है बच्चों की वीडियो, क्योंकि ज़्यादा आपको बोर नहीं करना। और ये दिसु को हाथ से नहीं उपाड़ना चाहिए था, इसलिए मुझे डर लग रहा है ये उपाड़ रहा है। तो दिसु यहाँ कैसे क्लीनिंग कर सकता है, बहुत गंदा हो रहा है, ये बच्चे थोड़ी ना कर सकते हैं, पर बच्चों पे जितना हुआ ये घास उपाड़ के आए थे वहाँ पे। और यहाँ पे ये लैटरिन बाथरूम थे जो बगैर, आपने देखा हुआ है, जो बगैर कलर के लग रहा है। और यहाँ पे ये जीना चढ़ा हुआ है, सब टूटा फूटा पड़ा है, अभी पूरा दिखाऊंगी, ऊपर से भी जो था वो भी दिखाऊंगी, ऊपर वाला कमरा भी। और कभी ये बहुत सुंदर मकान हुआ कर घर हुआ करता था, अब तो मकान तो अब है, बहुत सुंदर, बहुत मन लगता था। और जब भी इतने जने नहीं रहते थे, खैर पहले तो कभी हमारी बुआ हर के जब तो बस पूरी फैमिली थी, लेकिन अब सिर्फ मम्मी रह गई हैं, तो मम्मी कितनी जगह रह सकती हैं, तो सफाई भी मम्मी कितनी जगह कर सकती हैं। बस इसलिए बस मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, तो आगे घर दिखाऊँगी आप सभी को अब। तो ये घर है हमारा, और मैं अपने पे पूरी कंट्रोल करूँगी, मतलब भावुक ना हूँ। और ये हमारा घर बहुत, कभी बहुत सुंदर, और बहुत सारे बंदे इस घर में रहा करते थे, मतलब दादा भी थे हमारे सामने, दादी भी थी, जो ताऊ जी थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो उनकी शादी होने से पहले ही, उन्होंने पहले शादी नहीं करवाई थी, वो बीमार रहते थे, जब ठीक हुए तब वो भी चले गए। और कौन कौन रहता था बस मैं ये नहीं बता पाऊँगी, और यह बहुत बड़ा कमरा था, बस मैं अब आपको ये बताऊँगी, सिर्फ मम्मी रह गई हैं, आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी फैमिली में से अब मैं क्या बोलूँ। और ये ऊपर वाला रूम है हमारा, बहुत सुंदर था ये, कभी आपने ऊपर नोट किया हो, ऊपर लिखा हुआ था बाला, तो मेरे दादा का नाम था ऊपर, देखो अभी आप थोड़ा सा करके देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है। और ये बहुत ही सुंदर था ये अंदर, इसमें उस टाइम पे कि शायद किसी के लकड़ी की अलमारियाँ नहीं थी, हमारे थी। और बस ये दिसुहर का आ गया है, और मैं आगे सच में मैं आगे शायद ऐड नहीं कर पाऊँगी, मैं वो ही वीडियो ऐड करूँगी जो पहले शूट हो रखी है। अभी मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकती हूँ जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि एडिटिंग पहले कर, बाद में अब कर रही हूँ मैं। दिन में मैंने कई बार एडिटिंग की है, मुझसे बहुत भावुक हो रही थी, मतलब बस हो रही थी। और अभी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, दिसु हर की भी वीडियो शेयर करूँगी, दिसुहर के हाँ दिसुहर कितना इंजॉय कर रहे हैं वो वीडियो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। दिसुहर भी फुल इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे, देखो दिशु को तो बिल्कुल भी सब्र नहीं है, मढ़ा हुआ है ये साफ करने में। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है, और अपना भरपूर प्यार देना है वीडियो पे, पूरी जान लगा रहा है दिशु, देख लो आप सभी। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दिया करो आपकी, अगर आपको अच्छी लगे तो, आपकी मर्जी नहीं है, आपको अच्छी लगे तो आपकी मर्जी, ऐसे कैसे हो जाएगी, आप मेरी भी तो मर्जी चलाओगे ना। तो यहाँ अब मैं थोड़ा ठीक ठीक हाँ, तो यहाँ पे ये देखिए दिशु हर फुल इंजॉय कर रहे हैं, गांव में फुल मज़े लिए हैं दिशु ने, फुल इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। आगे आपको और भी दिखाऊंगी ये कैसे ज़मीन पे लेट लेट के वीडियो बना रहा है,
और सिर्फ दिसू ने इसलिए वीडियो बनाई है कि उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी। दिसू हर मतलब बना तो कोई बच्चा रहा होगा, मम्मी भी कह रही थी कि हमारी भी बना लिया कर वीडियो, और सब कह रहे थे लेकिन बच्चे, ये तो बच्चे ही बना सकते हैं ना वीडियो, मम्मी तो बोल ही सकती है ना। तो आगे मिलते हैं फिर, आप उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा, और आगे मैं दिशू और छोटी बच्ची का डांस करूँगी। वो सब गांव से ही आया है, वो मतलब दिसूर का बारिश में नहाने का, और अगर आपको पसंद आए तो देख सकते हो आगे, वो ही मैं अब ऐड कर रही हूँ वीडियो में। तेरे हाथ क्यों बंधवा रखे, तेरे हाथ तो जो सीधे कमजोर है पागल। मेरे हाथ बंद हो रहा है। अच्छा 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 अरे बाप रे, अरे अच्छा मगर देखो सत्तम कहाँ है, मारे ना तू जाए मेरे हाथ बांध ले, मेरे हाथ बांध ले जीजू। अरे उड़ा उड़ा एक कबूतर मेरे उड़ जाइए रे कबूतर, भाई और कुत्ते जीव काट गए जीव। बस बस बस।